बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही खास किस्म की स्पेशल रेसिपी, जो कि है सूजी के लड्डू, जो कि हम बनाएंगे मावा के साथ, यानी कि सूजी मावा के लड्डू, यानी कि हम बनाएंगे खोए का इस्तेमाल करके। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अमेजिंग सी ये लड्डू है। यहाँ पे कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें डाल दिया है देसी घी, क्योंकि हम बना रहे हैं देसी चीज़, तो उसमें देसी घी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देसी घी की मिकदार मैंने ली है तकरीबन 1.5 कप। बहुत ही आसान है सूजी के लड्डू बनाना और टेस्ट में तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं। यहाँ पे देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देना है और ये तमाम प्रोसेस आपने करना होगा धीमी आंच पे। यहाँ पे देसी घी मेल्ट हो चुका है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप क्वांटिटी ज्यादा भी कर सकते हैं, मैंने लिया है 1 टीस्पून। अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप कम लेना चाहते हैं, इसका टेस्ट नहीं पसंद, आप इसको 1/2 टीस्पून भी कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। देन मेरे इंग्रेडिएंट यहाँ पे आ गया है सूजी। सूजी की मिकदार यहाँ पे मैंने ली है 2 कप। सूजी को हम भुनेंगे देसी घी के साथ। बहुत ही जबरदस्त से लड्डू है, आपने जरूर ट्राई करने हैं। इंग्रेडिएंट्स को ऐसे ही फॉलो करना है जैसे कि मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। हम बना रहे हैं बिल्कुल देसी अंदाज में सूजी के लड्डू। जब कोई काम देसी करते हैं तो उस देसी काम में हमें सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर फेस करना होता है सब्र तहमल को। तो यहाँ पे सब्र तहमल के साथ आपने सूजी को अच्छे से भून लेना है। अभी जब ये 1/2 भून जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। सब्र तहमल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आंच तेज कर देंगे तो यहाँ पे सूजी कुक नहीं हो पाएगी और वो कच्ची रह जाएगी। तो सूजी का भुन जाना इंपॉर्टेंट होता है कि उससे जो लड्डू है उनमें टेस्ट होता है वो अच्छा डेवलप होता है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है मैदा, जिसकी मिकदार है 3 टेबल स्पून। मैदा यहाँ पे बाइंडिंग का रोल प्ले करेगा, तो यहाँ पे मैदे को हम सूजी के साथ भून लेंगे। सूजी के लड्डू की शान है ही नट्स के साथ। यहाँ पे हम ऐड करेंगे नट्स, जिसमें मैंने लिया है पिस्ता, नारियल, ब्लैक किशमिश, ब्राउन किशमिश, ये तमाम चीजें मैंने ऐड कर दी हैं। अगर आपको मोर नट्स चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही मैंने बादाम भी ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे इन नट्स को मिक्सअप कर लेंगे सूजी के इस मिक्सचर के साथ। सूजी के मिक्सचर में जो हम बना रहे हैं, अगर नट्स आप ऐड नहीं करेंगे तो फिर सूजी के लड्डू की जो शान है ना वो अधूरी रह जाएगी। यहाँ पे सूजी को स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। अगर इसके बीच में गुठलियां सी बन जाए तो आप आसानी से स्पैचुला से तोड़ सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। हम बना रहे हैं सूजी मावा, यानी कि सूजी खोया के लड्डू। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है खोया पूरा 1 कप। तो यूं अब इस खोए को भी इसके साथ तोड़ के अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, ताकि हमारे जो सूजी के लड्डू हैं वो मजीद टेस्टी, यमी और जबरदस्त से टेस्ट के साथ रेडी हो जाए। अच्छे से तमाम मिक्सचर को आपने मिक्सअप कर लेना है ताकि तमाम का तमाम यकजान हो जाए। अब मजीद इसको टेस्टी बनाने के लिए ऐड कर दिया है डेजिकेटेड कोकोनट, यानी कि यहाँ पे मैंने ऐड किया है नारियल। तो ये इस तरीके से इसको भी यहाँ पे मिक्सअप कर लेंगे। और लास्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास रह जाएगा जो कि होगा शुगर। लड्डू हो और मीठे ना हो, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे शुगर इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप शुगर का, तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। 1 कप इनफ होगा इतने से मटेरियल में। अगर आप कम पसंद करते हैं तो 1/2 भी कर सकते हैं। शुगर का जो क्वांटिटी है वो आप पे ही डिपेंड करेगी। अब शुगर को इस तमाम मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। मिक्सअप करके थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देना है, मुकम्मल इसको कम्प्लीटली ठंडा नहीं होने देना है, बल्कि जरा सा ये कि आप इसको जो टेम्परेचर है हाथ पे बियर कर सको, बस इतना ही इसको ठंडा करना है। उसके बाद यहाँ पर इसके लड्डू बना लेने हैं। मिक्सचर को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देना है, वरना आप लड्डू बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट मैंने बैटर हाथ में लिया है और इस तरीके से इसके लड्डू बना रही हूँ। और मैंने हाथ पे ऑयल भी नहीं लगाया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें देसी घी डाला था, जिसकी वजह से लड्डू में इतना देसी घी है कि आपके हाथ के साथ वो चिपकेगा नहीं और आप आसानी से उसको हैंडल कर पाएंगे। इस तरीके से 1 बाय 1 तमाम के तमाम लड्डू बना लेने हैं और फिर हम इसको करेंगे प्रेजेंट फाइनल लुक के लिए। चलिए मेरे साथ। सो फाइनली यहाँ पे हमारे घर में बनाए गए जो लड्डू हैं उनकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, और बहुत ही ज़बरदस्त से ये बहुत ही आसान तरीके से आप ये बना सकते हैं। जस्ट आपको फॉलो करना है इन स्टेप्स को जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो ये लड्डू जो कि हमने बनाए हैं खोए के साथ, इसके अलावा हमने इसमें डाला सूजी, तो ये सूजी के अमेजिंग से लड्डू और हेल्दी से ये लड्डू रेडी हो चुके हैं। आप बनाइए, ट्राई कीजिए, फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन के फॉर्म में दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहें। इवन आप इसको टी टाइम पे ले सकते हैं, बच्चों को बनाकर दीजिए, बच्चों के लंच बॉक्स में डेली एक लड्डू रख दीजिए। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छे हैं, क्योंकि इसमें नट्स हैं, इसमें खोया है, इसमें मुकम्मल
सिंपल तौर पर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए हैं, और मेन बात आपकी ये टोटली होममेड रेसिपी होगी, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये हेल्दी नहीं है। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, उनको जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।